हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तो हम भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक सरप्राइज भरा वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बन रही है, और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। दोस्तों, मतलब कि आज है, क्या बोलते हैं, आज है दोस्तों ट्यूसडे, और ये मेरा वीडियो जो था दोस्तों, मतलब ये वीडियो जाना था मुझे संडे में जाना था, बट मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। तो दोस्तों, मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ और इसको कर डालूंगी मैं कल, क्योंकि दोस्तों आफ्टर 3 डेज से मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी मेरे घर पे, और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसकी वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। और दोस्तों, आपको पता हो ना पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों कल, हाँ, मतलब संडे को मेरे हस्बैंड कमल लेने गए थे, तो जिसकी वजह से मैं, मतलब मेरे सारे काम थोड़ा सा मेसी हो गए थे, क्योंकि हस्बैंड अगर कमल लेने चले गए थे ना, तो उसमें बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स रही, काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को मुझे फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ 3 डेज से। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ में वही सारी बातें शेयर करूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कावड़ चढ़ा दी है शिव जी को, और मतलब मेरा काफ़ी टाइम से सपना था कि सावन चल रहा है और शिव जी को अभी तक कावा नहीं चढ़ी है, तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने वो सपना तो मेरा पूरा कर दिया, शिव जी को कावा चढ़ा दी थी। बट मैं उसका ब्लॉग आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि दोस्तों रात में भी हस्बैंड, मतलब रात 10 बजे उन्होंने कावा उठाई थी, और सुबह 5 बजे आ गए थे वहाँ से, गंगोत्री से, मतलब 100 किलोमीटर का सफ़र था, और मतलब काफ़ी बड़ा इनका ग्रुप था, सभी लोग गए थे ग्रुप से, तो सभी ने मिलजुल के कांवर लाई थी, तो मतलब 5 घंटे में इन्होंने कांवर ले आई थी, और सुबह 5 बजे चढ़ा दी थी। और उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया था मुझे, तो हम लोग वहाँ पे जा नहीं पाए थे मंदिर में, इन्होंने उनके सारे ग्रुप ने ही वहाँ पे चढ़ा दी थी कांवर, तो इसकी वजह से वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने इनसे बोला था बाद में कि आपने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, तो बोले नहीं मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो दोस्तों, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस चीज़ की, और दूसरी खुशी है दोस्तों, मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी यार मैं अपने लिए कुछ लूँ, अपने लिए कुछ लूँ, मतलब काफ़ी, फाइनली मैंने ये चीज़ परचेस की है। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए क्या है, आप लोगों को क्या दिख रहा है। तो आप लोगों को जो भी दिख रहा है ना, कमेंट करके बताना, तो आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो छोटा सा, मतलब मैंने डेली यूज के लिए किया, मेरे पास डेली यूज के लिए नहीं था, तो मतलब अभी तक मेरे पास कोई भी गोल्ड कलेक्शन नहीं है, तो अब मैंने शुरुआत की है, मेरा फर्स्ट है, और अब से मैंने शुरुआत करी है, तो अब से धीरे धीरे चीज़ों को परचेस करेंगे। तो दोस्तों, मतलब क्या बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी, सच में मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, मतलब खुद से परचेस करो तो वो फीलिंग सीखो, दूसरी को कोई आपको गिफ्ट करे और आप खुद से परचेस करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैंने खुद से परचेस किया, मुझे बहुत, मतलब मुझे डबल एक्साइट, मतलब उतनी खुशी नहीं होती जितना हस्बैंड देते, उतनी खुशी नहीं होती, बट जितना मैंने खुद से किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, मैं कर रही हूँ हाथ से पंखा, क्योंकि लाइट चली गई है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। तो दोस्तों, अभी तक मतलब मैंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं, मैंने मतलब किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी करना, किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मतलब किसी को बताऊंगी ना तो घर में थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग ना, लोग समझते घर में कंडीशन अभी इतनी सही नहीं है, जिसकी वजह से हम कुछ हम लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने मतलब हस्बैंड और हम दोनों लोग मिल के गए थे लेने, बाकी घर फैमिली में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि फिर बताओ तो यार प्रॉब्लम खड़ी होती है, और मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहती थी, तो इसके वजह से मैंने किसी को भी नहीं बताया, बस मेरी इच्छा थी वो मैंने पूरी कर ली है। तो अब मैं रक्षाबंधन पे जाऊंगी, तो मैं इसको ना डबल करवा लूँगी, इसको थोड़ा सा बड़ा करवा लूँगी, या तो नहीं करवाऊँगी तो फिर मतलब बड़ा लूँगी, क्योंकि अभी मैंने जैसे मैंने डेली यूज के लिए, घर के लिए, आने जाने के लिए मैं दूसरा परचेस करूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? बाकी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने इसको इस वजह से लिया है क्योंकि ओम है ना, मुझे ओम बहुत ही प्यारा लगता है, तो इस वजह से मैंने लिया है। मैं तो बचपन से ही ओम पहनने का ड्रीम था, जो कि अब पूरा हुआ है। तो दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, तो दोस्तों मैंने, हाँ मैंने आप लोगों के साथ में कल शेयर किया था, नहीं शेयर, सॉरी नहीं शेयर, अब मैं आप लोगों के साथ में कल मैं शेयर करूँगी, मैंने ऑनलाइन कुछ मीशो से प्रोडक्ट्स मंगाया, तो उनका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ करूँगी, शेयर करूँगी। तो अभी देखिए, मैंने ये लिपस्टिक लगा रखी है, जो कि इसका सेट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और दोस्तों, मैंने मंगलसूत्र भी मंगवाया था, जिसको मैंने रिटर्न आज डाल दिया है, और इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शूट कर लूँगी। दोस्तों, उसकी ना क्वालिटी नहीं अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी आई, तो इसकी वजह से मैं मंगलसूत्र ना रिटर्न डाल दिया है मैंने, और अब मैं वो नहीं लूँगी, और मैं मतलब लोकल मार्केट से लूँगी, जब भी लूँगी तो मतलब कि थोड़ा सा, मतलब मुझे वीडियोज़ वगैरह के लिए थोड़ा सा चाहिए कलेक्शन, तो मैं लोकल मार्केट से ही ले लूँगी, ऑनलाइन नहीं लूँगी,
क्योंकि दोस्तों मतलब वो क्वालिटी, कभी कभी चीज़ों में वो क्वालिटी नहीं आ पाती जो हमें क्वालिटी चाहिए होती है। आप ऐसा भी आप टेस्ट कर दो और क्वालिटी भी ना मिले तो फिर तो मन थोड़ा सा ना उदास रहता है। तो मैंने इसका रिटर्न डाल दिया है और 2 दिन बाद इसका रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों क्या बोलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ में कल दो वीडियो मुझे शूट करने हैं तो नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ में कल शेयर करूँगी। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी ऑल।